गोरखपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच को उस समय सफलता मिली जब गोरखनाथ थाना अंतर्गत 10,000 का इनामी शातिर चोर को दबोच लिया गया। मुअज्जिम जो कि राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर का निवासी है, एक शातिर चोर है जिसके ऊपर 16 अलग अलग मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। इसके पास से पुलिस को एक पल्सर गाड़ी, एक कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक जोड़ी पायल और 4 बिछिया भी मिली है। इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता के दौरान सीओ क्राइम प्रवीण सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया। चलो हो गया, कितना लीजिए? साथी चोर और लुटेरा, एक साथी अपराधी मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई है। ये तुर्कमानपुर थाना क्षेत्र राजघाट का रहने वाला था। इसकी एक बहुत अच्छी खासी आपराधिक इतिहास भी रहा है। कुल मिला के 14 मुकदमे इसके ऊपर रहे हैं पूर्व में। इसके पास इसकी गिरफ्तारी के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम और संयुक्त टीम रहा था, ये थी गोरखनाथ की भी टीम साथ में थी, जिसमें कुल मिला के 4 घटनाओं का अनावरण हुआ। एक चोरी की मोटरसाइकिल भी इसके पास से मिली है, जिसमें कि इसने इसके पश्चात शाहपुर और गोरखनाथ क्षेत्र के कुल मिला के 3 अन्य चोरियाँ भी कबूली हैं। वो घटनाएं भी सफल अनावरण उनका किया गया और ये अब 10,000 का एक इनामी था पहले से, और इसकी अब सफल गिरफ्तारी की गई है। इसके पहले भी जेल जा चुका है? कई बार जेल जा चुका है। इसके फाइलियों का नाम हमने आपको दिया हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख ये दानिश नाम का अपराधी है जो आज भी हमारा मतलब इनामी है। इसके पीछे टीम लगी हुई है। ये त्रिभुवन सिंह जो कुछ दिन पहले यहाँ से गए हैं, ये लोग सब एक ही कंपनी के थे। अब इसके साथ भी लोग रहते थे, अभी उसके बारे में पूछताछ भी कुछ चल रही है। अमूमन ये कि दानिश के साथ ही काम करता था, त्रिभुवन और दानिश के साथ ही काम करता था।